टॉफी देने के बहाने नाबालिग लड़की को बुलाकर नाबालिग ने किया दुष्कर्म। कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट धौलपुर ने एक मासूम नाबालिग को हवस का शिकार बनाने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके का है। महिला पुलिस थाना धौलपुर पर एक परवादी ने 17 मई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 16 मई 2019 की रात को वह अपने घर के पास बने चबूतरे पर सो रहा था। तभी बेटी की रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह जाग गया तो देखा कि उसकी 9 वर्षीय मासूम बेटी खून से लथपथ अवस्था में है। खून से लथपथ अवस्था में बेटी को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया। बेटी ने अस्पताल में उपचार के दौरान परिजनों को बताया कि प्रवेश उर्फ पिर्रे ने उसे टॉफी देने के बहाने यह सब कुछ किया है। घटना को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुलजिम प्रवेश उर्फ पिर्रे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह नाबालिग निकला। पुलिस ने बालक को निरुद्ध कर किशोर न्यायालय में पेश किया और आरोप पत्र पेश किया। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि किशोर न्यायालय ने बालक प्रवेश उर्फ पिर्रे के विरुद्ध वयस्कों की तरह सुनवाई के लिए पत्रावली पॉक्सो न्यायालय में भेज दी, जहां कोर्ट में मुलजिम प्रवेश के विरुद्ध वयस्कों की तरह सुनवाई की। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान 23 गवाह पेश किए गए। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरुवार को मुलजिम प्रवेश उर्फ पिर्रे पुत्र मान सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 9 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए बलात्कार के मामले में आज दिनांक 6/7/2023 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने आरोपी प्रवेश उर्फ पिर्रे को सुनाई 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित।